आज के इस भाग में हम लेकर आए हैं कर्क राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि वालों के लिए 19 अगस्त से 25 अगस्त का समय कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं इस भाग में। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। 3 बड़े ग्रहों का योग आपको धन लाभ कराएगा। इस सप्ताह आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग बन रहे हैं, कोई अचानक से धन लाभ होता दिख रहा है। इसके अलावा इस सप्ताह आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपका अच्छा जाने वाला है, मगर वहीं केतु के प्रभाव से कान से जुड़ी कोई समस्याएं रह सकती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। करियर, कार्य क्षेत्र की बात करें तो यह सप्ताह करियर के लिए स्ट्रगल वाला रहेगा। इस सप्ताह आपको मेहनत अधिक करनी होगी, परंतु अधिक मेहनत करने पर भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इस सप्ताह आपको अपने सीनियर से कोई बहस नहीं करनी है, अन्यथा विवाद उत्पन्न हो सकता है। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र के लिए यह सप्ताह आपका थकाने वाला रह सकता है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह परिवार में कुछ कहासुनी हो सकती है, माता के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है, तो इस सप्ताह आपको ध्यान रखना है कि माता पिता से कोई वाद विवाद ना होने दें। इसके अलावा पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह आप अपने पार्टनर को खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सप्ताह आप अपने ओर से अपने पार्टनर के बीच होने वाले किसी भी विवाद को समाप्त करेंगे, तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपका मैरिड लाइफ के लिए अच्छा जाने वाला है। टिप्स ऑफ द वीक में इस सप्ताह आपको खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखना होगा और पॉजिटिव विचारों को अपनाना होगा। इसके साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। बिजनेस करने वाले कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह सोच समझकर फैसले लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान करा सकता है। भाग्य की बात करें तो इस सप्ताह कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना हो या विशेष फैसला लेना हो तो सोमवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। वीडियो के अंत में अब बात करते हैं इस सप्ताह के उपाय की, मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिल सके। इस सप्ताह के उपाय में आपको रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके साथ साथ शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मासिक राशिफल के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।